रेडी 3 2 1 स्टार्ट। आप देखते होंगे फेसबुक पर कोई पोस्ट करता है धर्म को लेकर और उसके जवाब में कोई और पोस्ट देता है और लड़ाई शुरू हो जाता है। फेसबुक पर लड़ाई करते हैं और कितना गंदा गंदा गाली देते हैं। आपको पता है फेसबुक बिजनेस करता है। फेसबुक जो है, फेसबुक इसका 2 बिलियन से भी अधिक जो है इसके फॉलोअर्स हैं, यूजर्स हैं। ये बिजनेस करता अपना, जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म सब है बिलियंस में सबके यूजर्स हैं। और हम क्या करते हैं, एक फेसबुक पोस्ट डालते हैं विवाद करने के लिए और गाली गलौज शुरू। कितना गंदा गंदा गाली देते हैं। हम तो सोचते हैं परिवार वाले जो होंगे वो देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे, ये सब बेवकूफ है, बुद्धू है, इनको पता नहीं है, ये बेशरम है सब, झूठ मूठ करके पास समय है खाली लड़ने झगड़ने का। इनके पास ना माता का इज्जत है, ना बहन का, ना पिता का, ना भाई का, ये किसी की इज्जत नहीं जानते हैं। ये बस गाली रोज करते हैं, ये धर्म के ठेकेदार हैं। इनको भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने भेजा है, जब तुम ठेकेदारी करो। ये ठेकेदारी करते हैं और औरों की इज्जत उतारते हैं, खून खराबा करते हैं, खून बहा देंगे। अरे गधा कहीं का, अरे खून बहुत हो गया है, अस्पताल में डोनेट करो, वहाँ बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन नहीं, फेसबुक पर लड़ेंगे। आपको पता है समाज में क्या क्या समस्या है, ये पता नहीं है। देखिए समाज में आप, हम बताते हैं हमारे देश में, आपको यकीन नहीं होगा, प्रत्येक जो बलात्कार होता है, रेप, कम से कम 16 मिनट में एक होता है। अगर हम मान लें कि 1 घंटा में अगर 4 भी हम मान लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि ये आपको 24 से गुना कर देंगे आप, तो ये हो जाता है 16 हाथ में 1 4 9 96 बलात्कार हमारे देश में होता है प्रतिदिन। और ये बेशर्मों को समझ में आता है, ये आपस में लड़ेंगे फेसबुक के नाम पर। मेरे धर्म का अपमान कर दिया, मेरे जाति का अपमान कर दिया, मेरे खुदा का अपमान कर दिया, और ये बड़ा बनाएंगे अपने आप को। यही बड़का है, इन्हीं को आता धर्म के बारे में और किसी को नहीं आता है। इनको शर्म लगता है, भारतवर्ष में रेप होता है प्रत्येक दिन 96 कम या बेसी, 1-2 कम भी कर देते हैं, अगर 90 भी होता तो क्यों होगा। ये देश के लिए पूरा दुर्भाग्य की बात है, पूरे देश में से बदनामी होती है। सिर्फ ये रेप नहीं, मर्डर 80 प्रत्येक दिन भारतवर्ष में 80 मर्डर होता है, 80 मर्डर होता है, इनको दुख नहीं होता है। मर्डर के बाद देखिए सुसाइड, आत्महत्या भारतवर्ष में प्रत्येक दिन 10 प्रत्येक दिन 10 मतलब होता है कि हर 2 मिनट 2 घंटे में एक आत्महत्या का बेरोजगार युवक आत्महत्या करता है। रोजगार नहीं है, वो मुश्किल है, नाराजगी है, उनके जीवन से वो उदास हो गया, नाराज हो गया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं कमाने को, रोजगार नहीं है, इसलिए आत्महत्या करता है। ये हमारे शर्म की बात है। इसके बाद हमारे जो बच्चे मिसिंग होते हैं इस देश में, मिसिंग एक खाली आपको झगड़ा करने आता है, लड़ने आता है, हमारे मिसिंग 174 बच्चे जो है ये मिसिंग होते हैं करके भी 1 महीने में। अगर आप 1 महीने में 174 बच्चा मिसिंग गायब होता है, या आपको दुख नहीं देता है, आप किसी परेशानी नहीं होती है, आपको धर्म को लेकर लड़ना है, झगड़ना है, क्योंकि आपको एक मौका चाहिए लोगों से लड़ने का, झगड़ने का। आपके पास काम धाम तो है नहीं, क्योंकि आपको तो फंडिंग मिलता है लड़ने का और गाली देने का, तो आप गाली को समाज में फैलाइए। ये आपका असलियत है, इसको आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 5वां, अस्पताल में बिना इलाज का 26% लोग मरते हैं, बिना दवाई का 26% लोग मरते हैं, विदाउट यूज ऑफ मेडिसिन, बिना दवाई का 26% मौत होता है। प्रत्येक दिन 7 लोग मरते हैं, एवरीडे, क्यों मरते हैं, गंदे पानी पीने से, पॉल्यूटेड वाटर। यहां पर दुख नहीं होता है, यहां नहीं लड़ना है, क्यों गंदा पानी पिएंगे, यहां नहीं। कम से कम 63 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है, 63 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। और ये गधावा सब जो है, ये बेवकूफ सब जो है, फेसबुक पे धर्म के नाम पर बस इसको मारो, इसको काटो, इसको गाली दो, यही सब भड़काते हैं। और कानून और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को कठोर सजा दे जो धर्म के नाम पर लोगों को उकसाते हैं और खून खराबा करते हैं और गाली गलौज करते हैं। 63 मिलियन लोगों को पानी नहीं मिलता पीने को, साफ पानी, यहाँ तो दुख नहीं होता है, यहाँ तो बलात्कार होता है, हर 1 मिनट में 16 बलात्कार होता है,
80 तो मर्डर होता है, 10 आदमी जो बेरोजगार युवक आत्महत्या करता है, यहाँ नहीं लड़ना है। यही नहीं, कम से कम 20 से 25 किसान फार्मर्स हर दिन आत्महत्या करते हैं। ये अगर नहीं काम करें तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। पर आपको चिंता इनके बारे में नहीं, चिंता इनको चिंता धर्म के बारे में, जाप के बारे में, खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में। इनको ईश्वर ने कॉन्टेक्ट दिया है कि जाओ तुम धरती पर जाओ और तुम जो है मेरे लिए बचाव का काम करो, इनको बोला गया है। इनका खुद का ही भरोसा नहीं है, ये क्या दूसरे के बताएंगे। हमारे देश में 32 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 32 मिलियन मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ये स्कूल नहीं जा पाते। 32 मिलियन 32 मिलियन से बच्चे जा नहीं पाते, यानी 1 मिलियन मतलब 10 लाख बच्चे या करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इनको यहाँ दुख नहीं होता है, यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है या तकलीफ नहीं होता है। आज देखेंगे बिस्तर नहीं अस्पतालों में। पूरे भारतवर्ष में सरकारी अस्पताल की संख्या है 25,778, ये संख्या है 25,778, ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और बताइए आप कि 10,000 मरीज पर एक डॉक्टर, 10,000 मरीज पर एक डॉक्टर का क्या इलाज मिलेगा? तो इलाज नहीं है। बहुत से लोग खटिया पर जाते अस्पताल, एम्बुलेंस नहीं मिलता है। बहुत से गांव ऐसा है कि जहां पर पुल नहीं है, जहां जाने का साधन नहीं, बच्चे नदी पार करते हैं जब स्कूल जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जब कोई मर जाता है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है, उस डेड बॉडी को पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है, यहां को दुख नहीं होता है। और ये नेता के कहने पर दंगा करते हैं, नेता के कहने पर ये लोगों को गाली गलौज करते हैं, हिंसा करते हैं और बस ये दिखाते हैं कि वो कितने ताकतवर है। अरे गधा, अगर लड़ना है तो इसको बचाने के लिए लड़ो, मर्डर को बचाने के लिए लड़ो, सुसाइड रोकने के लिए लड़ो, बच्चे जो चोरी होते इसके लिए लड़ो, इनको बचाना है, समाज को बचाना है, इसके लिए नहीं लड़ेंगे। और लड़ते हैं किसके लिए? अपने धर्म। अरे धर्म तुम्हारा पहले भी अच्छा था, आज भी है, कल भी रहेगा, तुम कौन है? तुम तो खुद ही धर्म में नहीं आता है। धर्म का मतलब प्यार, धर्म मतलब सेवा, धर्म मतलब सहयोग, धर्म मतलब दूसरे का सहयोग करना, सबको सपोर्ट करना, सबको साथ लेकर चलना। लेकिन ये हिंसा, झूठ, लूट, खून खराबा, रेप, मर्डर, इसी में इनका जीवन गुजरता है और दिन भर ये काम करते रहते हैं। भाई नेता लोग ये हमें लड़ाते हैं, ये आपस में भाईचारे तोड़ते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और तुम्हें कहते हैं कि तुम झंडा पकड़ो, तुम उनको मारो पीटो। क्यों? अपने लिए पैसे लेते हैं, अखबार से पैसे लेते हैं, मीडिया से पैसे लेते हैं, जहां तहां से पैसे लेते हो गाही करते हैं, कभी बालू बेचते हैं, कभी कोयला बेचते हैं, कभी लोहा बेचते हैं। और आपको क्या डराते हैं? थुल्लू। आप थुल्लू लेके दौड़ते रहते पीछे पीछे। धर्म और जाति के नाम पर लड़ना बंद करिए। नेता के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हम पे शासन करते हैं। हमें चाहिए कि मेरे देश में जो समस्या है हम उस पर बात करें, उसको हम ठीक करें। ये हमारी समस्याएं हैं, इनको दूर करना है। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो आपको इन समस्याओं से बहुत परेशानी होगी, इन्हें आपको दूर करना चाहिए। ये आपके सबसे पहली समस्या होना चाहिए, इसे हमको दूर करना है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गलत पोस्ट पर कभी भी बयान न दें, उन पर आप ध्यान ही न दें, आप इसका हिस्सा नहीं बने। आप बल्कि ये करें कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया। सरकार से सवाल पूछे, सरकार चाहे किसी के लिए हो, हमें देश और समाज को बचाने के लिए सरकार से सवाल पूछना होगा। ये मेरी आप विनती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तब इसे लाइक दें, कमेंट दें। हो सकता है कि मेरे बातों से आपको मिर्ची लगी हो, तो इसके लिए मैं कहूंगा ठीक है, लगा तो लगने दो, कोई बात नहीं है। बात ही ऐसी है, अगर मिर्ची लगा तो ठीक हुआ, यानी बात जो है सही है और निशाने पर बैठा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।